नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में मुहावरों के अर्थ, उनके वाक्य प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो विभिन्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाक का बाल होना अत्यंत अतरंग या प्रिय। अपनी नाक का बाल बने घोटाले में फंसे विधायक को पार्टी से कैसे निकालें? मुख्यमंत्री के सामने अब यह बड़ी समस्या है। नाक नीचे करना, बेइज्जती कराना। अखिल ने कार चोरी का कार्य करके समाज में अपनी माता पिता की नाक नीचे करा दी। नाक बचाना, इज्जत बचाना। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की नाक बचाए रखे, यही सबसे बड़ी सेवा और भक्ति है। नाक रगड़ना, किसी बात के लिए अत्याधिक खुशामद और क्षमा याचना कराना। रावण ने हनुमान से कहा कि राम आकर मेरे चरणों में अपनी नाक रख रहे तो सीता को वापस कर देंगे। नाक रख लेना, इज्जत। कृष्ण ने अपने बड़े भाई की बात मानकर उनकी नाक रख ली। नाक को चने चबाना, बहुत तंग करना। अगर हम कहीं और होते तो लोगों को नाक को चना चबा देते। 9-2-11 होना, गायब हो जाना। पुलिस को आता देख गृहकाट 9-2-11 हो गया। पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना। किसी इज्जतदार आदमी की पगड़ी उछालना इंसानियत की बात नहीं है। पत्ता काटना, मामले या पद से हटा देना। अपने मंडल दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने सभी दोषी अधिकारियों का पत्ता काट दिया। पत्थर की लकीर, अमिट बात। महापुरुषों की बातें पत्थर की लकीर के समान अटल होती हैं। पर्दा डालना, दुर्गुणों को छिपाना। बच्चे तभी बिगड़ते हैं जब माँ बाप उनकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। पहाड़ टूटना, मुसीबत आना। राम के पिता की मृत्यु से उसके परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। पांचों उंगलियां घी में होना, आनंद ही आनंद होना। दीपक की मम्मी के घर आ जाने पर आजकल उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। पानी उतर जाना, इज्जत समाप्त हो जाना। रमेश की चोरी पकड़े जाने के बाद से जनता की निगाह में उसकी इज्जत उतर गई है। पानी पानी होना, शर्मिंदगी का अनुभव होना। दरवाजे की खटखटाहट सुनकर आंसू भीतर से ही बड़ी हड़बड़ी में आई। इन भिखारियों ने नाक में दम करके रख दिया है, किंतु दरवाजे पर अपने ससुर को खड़ा देख बिचारी पानी पानी हो गई। पानी फेर देना, निराशा देना। अनमोल ने विद्यालय छोड़कर अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पापड़ बेलना, कष्ट झेलना। राम को नौकरी प्राप्त करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़े। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। भारतीय सेना के सम्मुख पाकिस्तानी सिपाही पीठ दिखाकर भाग गए। पेट में दाढ़ी होना, कम अवस्था में ही अधिक बुद्धिमान या चतुर चालाक होना। श्याम की आयु केवल 15 वर्ष की है, किंतु वह अपने चचा से राजनीति की चर्चा कर रहा था। यह देखकर वहां बैठे एक व्यक्ति ने यह कहा कि इस लड़के के पेट में तो दाढ़ी है। वो 12 होना, खूब लाभ प्राप्त होना। आपातकाल से पहले गल्ला व्यापारियों के 12 हो रहे थे। प्यासा ही कुएं के पास जाता है, जरूरतमंद ही अपनी जरूरत की वस्तु के स्रोत ढूंढता हुआ उस तक पहुंचता है। बेटा, बाजार में एक से बढ़कर एक पुस्तक उपलब्ध है, वहां जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं स्वयं चलकर उसके पास नहीं आता। प्राण हथेली पर रखना, मृत्यु के लिए तैयार। भारतीय सैनिक प्राण हथेली पर रखकर अपने शत्रुओं का सामना करते हैं। फुलझड़ी छोड़ना, हंसी की बात कहना। तुम तो बात बात पर फुलझड़ी छोड़ते हो, कभी गंभीरता से बात किया करो। फूटी आंख न देखना, ईर्ष्या रखना। अधिकतर दिमताएं अपनी सौतेले पुत्र को फूटी आंख नहीं देख सकती। भोला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अपनी प्यारी बहन मीरा के मिलने पर विमला भोला ना समाई। बगुला भगत होना, साधु के भेष में ठग या पाखंडी। आजकल के बहु लोग गिरुआ वस्त्र धारण करके बगुला भगत बने बैठे हैं। बगले झांकना, निरुत्तर होना। अध्यापक के प्रश्न को सुनकर तथा उत्तर समझ में न आने पर छात्रगण बगले झांकने लगे। पंछे खिल जाना, प्रसन्नता से भर उठना। अपनी प्रोन्नति का समाचार सुनकर शशांक की
बाछे खिल गईं। बाल की खाल निकालना, बारीकी से जांच पड़ताल करना, मोहन का स्वभाव ऐसा ही है कि वह हर बात की बाल की खाल निकालता है। बाल बाका ना होना, कुछ भी हानि ना पहुंचना, इस मुकदमे में तुम चाहे जितना धन व्यय करो किंतु उसका बाल बाका नहीं हो सकता। बालों की दीवार दुर्लभ आधार, बालों की दीवार पर जीवन का महल बनाना उचित नहीं है। बिजली गिरना, घोर विपत्ति आना, सरला के जवान बेटे की मौत क्या हुई उस पर तो मानो बिजली गिर गई। पीड़ा उठाना, कोई जोखिम भरा कार्य करने की जिम्मेदारी लेना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने युद्ध क्षेत्र में घायलों की सेवा का बीड़ा उठाया। पेपर के उठाना, झूठी बात फैलाना। यद्यपि मीनू का परीक्षा फल नहीं आया था किंतु उसने अपनी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की घोषणा करके बेपरकी उड़ा दी। बे सिर पैर की बात करना, निरर्थक बात करना, उन्हें काम तो कुछ है नहीं, हर समय बे सिर पैर की बात करते हैं। बोटी बोटी फड़कना, जोशाना, कवि सम्मेलन में वीर रस की कविताओं को सुनकर श्रोताओं की बोटी बोटी फड़कने लगी। फूटना, भेद खुल जाना, रहस्य प्रकट हो जाना। जनसभा में जब नेता जी के भ्रष्टाचार का भंडा फूट गया तो वो चुपचाप ही वहां से खिसक गए। भीगी बिल्ली बनना, भय या स्वार्थवश अति नर्म होना। घर पर मुच्छों पर ताव देने वाले मुरलीधर कार्यालय में अपने अधिकारियों के सामने भीगी बिल्ली बने रहते हैं। लगाना, चापलूसी करना, अफसरों को मक्खन लगाना, कोई सोभी से सीखे जिसने साल भर में ही प्रोन्नति प्राप्त कर ली। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।